दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को मिली हार, तो भड़क गया रोहित शर्मा का गुस्सा। टीम में शामिल कर लिए सबसे खतरनाक खिलाड़ी, जो पलक झपकते ही मचा देते हैं कोहराम। हो गया साफ, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होगा बदलाव। इस धाकड़ खिलाड़ी की एंट्री कोई नहीं रोक पाएगा। दो खिलाड़ियों के करियर पर मंडराया सबसे बड़ा खतरा। गौतम गंभीर से लड़कर रोहित शर्मा ने तैयार की भारतीय टीम। तीसरे वनडे में सबसे खतरनाक तैयारी के साथ उतरेंगे रोहित शर्मा। श्रीलंका की टीम ने जब भारत को हराया तो रोहित शर्मा का गुस्सा एकदम से सातवें आसमान पर पहुंच गया। खिलाड़ियों की रोहित शर्मा ने क्लास लगाई, लेकिन खबर आई कि पहली बार कोच गौतम गंभीर से भी रोहित शर्मा की कहा सुनी हो गई, जिसके पीछे की वजह थी गौतम गंभीर किसी गेंदबाज को बल्लेबाजी दे रहे हैं तो किसी बल्लेबाज से जबरदस्ती गेंदबाजी करवा रहे हैं, जबकि बैटिंग ऑर्डर में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले मुकाबले में भी गंभीर ने यही गलती की थी और मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, और दूसरे मुकाबले में भी वही देखने को मिला। गंभीर ने वही गलती दूसरे मुकाबले में की थी, जिसकी कीमत भारतीय टीम को हार के रूप में चुकानी पड़ी। मगर अब गौतम गंभीर की एक नहीं चलेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने अब पूरी तरीके से मन बना लिया है कि अपने चेलों को बाहर बिठाया जाएगा और जो अच्छा खेलता है उसको टीम में लेकर आया जाएगा। रोहित शर्मा क्या कुछ बदलाव करने वाले हैं और कौन कौन से घातक खिलाड़ियों को मौका देने वाले हैं, आपको पूरी कहानी बताते हैं। मगर पहले बात करते हैं कि आखिर बदलाव की जरूरत टीम में क्यों पड़ गई। दरअसल भारतीय टीम इस वक्त रोहित शर्मा की कप्तानी में मुश्किल दौर से गुजर रही है। श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जहां टाई हो गया, वहीं दूसरे मैच में टीम को 32 रनों से करारी हार का सामना भी करना पड़ा। भारतीय टीम अब सीरीज में पीछे चल रही है। अगर अगला मैच जीता तो सीरीज बराबरी पर खत्म होगी, लेकिन अगर एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा तो टीम सीरीज भी गंवा देगी। मतलब सीधे तौर पर रोहित शर्मा के लिए बड़ी चुनौती है। ये मैच अब करो या मरो का हो गया है। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अगले मैच में कुछ बदलाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं। उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया, जिसमें पहला नाम श्रेयस अय्यर का शामिल बताया जा रहा है, जबकि दूसरा नाम केआर राहुल और तीसरा नाम शिवम दुबे का है। आपको बता दें, तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा वनडे 7 अगस्त को खेला जाएगा और तीसरा वनडे भी श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा, और ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2:30 पर शुरू होगा। अब बात करें श्रीलंका को बुरी तरह से कुचलने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन भूखे शेरों को टीम में शामिल किया है। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आने वाले हैं। रोहित शर्मा ने पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में काफी शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, श्रीलंका के खिलाफ हुए पिछले वनडे सीरीज के पहले मैच में ही रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया था। यानी रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पर मौका मिला है युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को। दोस्तों शुभमन गिल शानदार अंदाज में ओपनिंग करने के लिए जाने जाते हैं। वनडे में गिल के आंकड़े काफी अच्छे हैं, इसलिए गिल को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए टीम में चुना गया है। इसके बाद नंबर 3 पर मौका मिला है रन मशीन विराट कोहली को। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली को फिर से तीसरे वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया है। हालांकि विराट ने पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए कुछ खास नहीं किया है। आप सभी को बता दें, श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली के आंकड़े शानदार हैं। विराट कोहली हर तीसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने गुस्से में आकर एक बड़ा बदलाव कर दिया है और शिवम दुबे को प्लेइंग 11 से बाहर करके शिवम दुबे के स्थान पर रियान पराग को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। क्योंकि दोस्तों शिवम दुबे का प्रदर्शन पहले वनडे मुकाबले में उतना कुछ खास नहीं था और दूसरे वनडे मुकाबले में शिवम दुबे अपने बल्ले से खाता भी नहीं खोल पाए थे, इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने शिवम दुबे को प्लेइंग 11 से बाहर करके शिवम दुबे के स्थान पर रियान पराग को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। क्योंकि दोस्तों रियान पराग भी मिडिल ऑर्डर के एक बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। हालांकि दोस्तों रियान पराग को अभी तक भारतीय टीम की तरफ से एक भी वनडे मुकाबले में खेलने को मौका नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों रियान पराग ने श्रीलंका के खिलाफ T20 मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया था। और रियान पराग का प्रदर्शन डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट
फॉर्मेट में काफी लाजवाब रहा है। इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे मुकाबले में रियान पराग को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों इसके बाद पांचवें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने गुस्से में आकर एक और बड़ा बदलाव कर दिया है और केआर राहुल को प्लेइंग 11 से बाहर करके केआर राहुल के स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है। क्योंकि दोस्तों केआर राहुल पहले वनडे मुकाबले में अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और दूसरे वनडे मुकाबले में तो राहुल बिना कोई रन बनाए लौट गए थे। इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को तीसरे वनडे मुकाबले में खेलने का मौका दिया है। क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत भी वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम की तरफ से काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने अभी तक भारतीय टीम की तरफ से टोटल 30 वनडे मुकाबले खेले हैं। ऐसे में दोस्तों ऋषभ पंत चाहेंगे कि तीसरे वनडे मुकाबले में अपने बल्ले से भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करें। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से श्रेयस अय्यर को ही प्लेइंग 11 में शामिल किया है। हालांकि दोस्तों श्रेयस अय्यर अभी तक खेले गए दोनों ही वनडे मुकाबलों में अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की तरफ से मिडिल ऑर्डर में आकर काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और कई मुकाबलों में तो अकेले ही अपने दम पर श्रेयस अय्यर भारतीय टीम को जीत भी दिला चुके हैं। ऐसे में दोस्तों श्रेयस अय्यर चाहेंगे कि तीसरे वनडे मुकाबले में अपने बल्ले से भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करें। जबकि दोस्तों नंबर 7 पर कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। आपको बता दें कि अक्षर पटेल ने अभी तक खेले गए दोनों ही वनडे मुकाबलों में अपने बल्ले और गेंद दोनों से काफी कमाल का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि अक्षर पटेल ने दूसरे वनडे मुकाबले में पहले तो 9 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 38 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था, तो वहीं बल्लेबाजी करते हुए 44 रन की काफी विस्फोटक पारी खेली थी और एक बार फिर से तीसरे वनडे मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद दोनों से काफी कमाल का प्रदर्शन करने के लिए अक्षर पटेल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर 8 पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। क्योंकि दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर का भी प्रदर्शन अभी तक खेले गए दोनों ही वनडे मुकाबलों में काफी कमाल का रहा है और दूसरे वनडे मुकाबले में भी वॉशिंगटन सुंदर ने 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए मात्र 30 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे। इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर को 8वें स्थान पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने का मौका दिया है। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 9 पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से कुलदीप यादव को ही प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जबकि दोस्तों इसके बाद 10वें और 11वें नंबर की बात करें तो दोस्तों 10वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से मोहम्मद शिराज को ही प्लेइंग 11 में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों 11वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर करके अर्शदीप सिंह के स्थान पर हर्षित राणा को तीसरे वनडे मुकाबले में खेलने का मौका दिया है। तो दोस्तों ये थी भारत की प्लेइंग 11।